स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक CP Plus के फ्रेंड्स 2.4 मेगापिक्सल के CCTV कैमरे का, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। पिछली वीडियो में जो है फ्रेंड्स, हमने इस CP Plus के 4 चैनल के DVR की अनबॉक्सिंग की थी, जो कि भाई 2.4 मेगापिक्सल का था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस CCTV कैमरे की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये कैसा है, इसका प्राइस कितना है और इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो भाई कैमरा तो अभी हम चेक करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स हमारा DVR, जो कि यहाँ पर चल रहा है। और इसको फ्रेंड्स मैंने ओपन करके रखा है, क्योंकि इसमें कोई हीट यानी फ़ैन वगैरह नहीं लगा इसको ठंडा करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, CP Plus का ये 4 चैनल का DVR है। आपने फ्रेंड्स इसकी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना अभी, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद। और फ्रेंड्स, मैं लाया था इस CCTV कैमरे के लिए जो कि कंसिस्टेंट की 500 GB की हार्ड ड्राइव है, इसका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी जल्दी से हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास कैमरे का बॉक्स, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डली हुई है यानी लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी आप कोई कैमरा लेने जाते हो, या मैं आपको इसी का बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप एक फुल कलर कैमरा लेने जा रहे हो CP Plus का, तो फ्रेंड्स CP Plus के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन पर सब पे सील लगी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये लगी हुई है और इस DVR पे भी कहीं ना कहीं सील थी। तो आप ये सील ज़रूर चेक करें, ये ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले कैमरे को बाहर निकालते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल पैकेजिंग नहीं है, देख सकते हो सिंपल हमने बॉक्स खोला और कैमरा में दिख गया। तो भाई देखो, पूरा डब्बा खाली, इसको हम पटक देते हैं नीचे। नहीं यार, उठाना पड़ेगा वापस अभी, हाँ, क्योंकि अभी इस पर भाई काफ़ी चीज़ लिखी हमने फेंक दिया, चलो उसको वापस उठाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो है देखो, कैमरा एक पन्नी में आया था, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसको चेक करा था, यहाँ पर एक तार से बंधी हुई थी, इस तरह से यहाँ पर बंधी हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर दो लाइट लगी हुई हैं, और पहले जो दूसरे वाले आते थे नाइट विज़न वाले, ये नाइट विज़न वाला है पर फुल कलर चलने वाला है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी लाइट देखने के लिए मिलती थी। तो ये जो है भाई ब्लैक और वाइट कलर में है और प्लास्टिक बॉडी में है। सेम कैमरा आपको अलग अलग कंपनियों में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि CP Plus तो है ही, और हिकविजन हो गया, धुआ हो गया, और काफ़ी अलग अलग कंपनियां आती हैं, जैसे सिलोन, हाई फोकस वगैरह वगैरह। मार्केट में भाई काफ़ी नई नई कंपनियां चल रही हैं, लेकिन जो सब में ज़्यादा चलने वाली है वो है CP Plus, और हिकविजन और धुआ अभी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। हमारे मार्केट में फ्रेंड्स ये वाला अवेलेबल था, मुझे धुआ का चाहिए था लेकिन मुझे CP Plus मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक देखने के लिए मिल जाएगा हमें जो PCB स्लीव हैं और 3 स्क्रू, क्योंकि फ्रेंड्स ये 3 स्क्रू पे कसाएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये फ्रेंड्स जो है HD कैमरा है, HD कैमरा, इसे एनालॉग कैमरा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, देखो इस टाइप से होता है, और ये DC पिन पावर देने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर लिखा क्या क्या है, क्या क्या मेंशन है इस खोके पर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर डाला हुआ स्कैन दिस QR कोड विथ CP चेक ऐप, तो इसका कोई प्रोडक्ट चेक करने के लिए फ्रेंड्स कोई एप्लीकेशन है कि यानी QR कोड इस पे कहीं ये डाला हुआ है, देखो फ्रेंड्स। और CP Plus का स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है ओरिजिनल, आपको ये देखिए दिख रहा है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसी ज़रूरी चीज़ हमें पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अंदर कोई यूज़र मैनुअल हमें देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ ऊपर ही मेंशन है। इसको कनेक्ट भी करना इजी है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। HD कैमरा है फ्रेंड्स, फुल कलर गार्ड प्लस इसकी सीरीज़ है, और यहाँ पर फ्रेंड्स डला हुआ है हायर रेजोल्यूशन, आप पढ़ लो क्या क्या सपोर्ट करता है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वगैरह डला हुआ है, और ये कुछ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है। वीडियो सिस्टम फ्रेंड्स, इसका आउटपुट जो रहेगा पल रहेगा, मेड इन इंडिया है, ज़रूरी चीज़, 2.4 मेगापिक्सल का है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 20 मीटर तक इसकी IR जो LED हैं वो काम करती हैं,
3.6 mm का इसका लेंस है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपको अच्छे से दिख रहा है आप पढ़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इस पर कुछ है नहीं है, इस तरफ है, इसमें एड्रेस वगैरह कुछ डाला हुआ है। और इसका जो फ्रेंड्स MRP रेट है वो 3100 रुपये डाला हुआ है सारे टैक्स को मिलाकर। मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चर फ्रेंड्स अप्रैल 2023 में ये बना था। नेट क्वांटिटी इसकी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लेंट वगैरह करने के लिए टोल फ्री नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम इस खोखे को फेंक सकते हैं कुछ ऐसे, क्योंकि इसका काम हो गया। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका बिल, ये मुझे ऑफलाइन मार्केट से कितने का पड़ा। तो ये रहा भाई इसका बिल, देखो मैंने 16 जून 2023 को ख़रीदा था। और चलिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नंबर लिखे हैं, मैंने इसको हाइड कर दिया। तो देखो 16 जून को मैंने ख़रीदा था 2023 में, ये इसका इनवॉइस है। फ्रेंड्स देखो मैंने DBR का भी, जो DBR ख़रीदा था इसका भी बिल इसी में है, जो कि मुझे 2400 रुपये का पड़ा था, 2450 रुपये का। और फ्रेंड्स ये 2.4 मेगापिक्सल का आप कैमरा यहाँ पर मेंशन देख रहे हो, ये फ्रेंड्स मुझे पड़ा था 1450 रुपये का, 1450 रुपये का। फ्रेंड्स साथ ही मैंने एक 256 GB की SSD ख़रीदी थी साटा EVM कंपनी की, उसका वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। टोटल बिल मेरा फ्रेंड्स कुछ इतना हुआ था। अगर फ्रेंड्स ऑनलाइन की बात करें इसकी ऑनलाइन प्राइस की, तो भाई आपको ये लगभग 1900 या 2000 रुपए के आसपास मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें डली हुई हैं। तो चलिए पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है, देखिए फ्रेंड्स हमारे DBR में कुछ इस टाइप का पोर्ट होता है इस टाइप का, और फ्रेंड्स इस टाइप के वायर से हमको BNC बनाना पड़ती है दोनों तरफ। तो मैंने पहले से बना ली है और DBR से कनेक्ट भी करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स इस पे एक चीज़ अलग से डली हुई है, ये देखिए यहाँ पर डला होगा। फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए आपको 2 एम्पियर का एडाप्टर चाहिए अलग से, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो लाइट हैं वो आपका ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। तो इसको भाई प्रॉपर चलाने के लिए आपको 2 एम्पियर का चार्जर यानी एडाप्टर, 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर होना ज़रूरी है। तो मैं इसको लगा देता हूँ, सप्लाई देता हूँ। एडाप्टर को फ्रेंड्स मैंने जो है पावर दे दी। अब DC पिन हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है सिंपली, और हमारा जो कैमरा है साइड DVR पे आ जाएगा। हाँ आ गया, तो बॉक्स को हम साइड पे रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, रेजुलेशन इस ऑटोमेटिकली एडजस्ट, इसको हम ओके करते हैं। पर आप देख सकते हो क्वालिटी। तो भाई यहाँ पर मैं कैमरे को नीचे करता हूँ, नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, जैसे कि आप इस वाली स्क्रीन पर देखो। ये मेरा एक 720p वाला कैमरा लगा हुआ है, और भाई हम वीडियो बना रहे हैं 4 यानी 4th मंजिल पर बैठकर। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कुछ ऐसे नीचे बाहर साइड। तो आप अब इसकी क्वालिटी देखो रोड की। तो ज़ूम करते हैं हम इसको, धूप ज़्यादा हो रही है, फ्लैश बंद कर। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। ये जो गाड़ी है भाई काफ़ी नीचे खड़ी हुई है, और इसको हम जूम करते हैं तो इतना बुरा भी नहीं है, बस ये दिख रही है हमको। फ्रेंड्स इससे आपको नंबर वगैरह कुछ दिखेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये 2.4 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। और हम भाई 4 मंजिल ऊपर से बना रहे हैं ये वीडियो। ये देखो यहाँ पर जो है सामने दशहरा जलता है यानी रावण जलते हैं। फ्रेंड्स ये जो कैमरा है, मैंने अब वापस बाहर निकाल लिया। फ्रेंड्स ये जो कैमरा है ये भाई हमारे मतलब एक रूम के लिए है। अभी आप देख सकते हो हम ये इस तरह से भाई वीडियो बना रहे हैं। तो पास की क्वालिटी के लिए, यानी अगर आप एक रूम के अंदर इसको लगा रहे हो तो फ्रेंड्स उसके लिए ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है ये। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तब आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा कि कैसी है।
और यहाँ पर देखो सब वही डला हुआ है, 12 वोल्ट, 3% DC, 20 मीटर IR वगैरह। और फ्रेंड्स ऊपर एक स्टिकर लगा है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलिए इसकी लाइट को हम जला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमको इस तरह से या पूरा हाथ रखना पड़ेगा इस तरह से, तब जाके इसकी जो देखिए रेड कलर का आ गया। तो ये इसकी लाइटें ऑन हो गई हैं। तो नाइट में फ्रेंड्स बस ये लाइट जल जाती हैं और इसकी वजह से, इन लाइटों की वजह से हमको जो है कलर देखने के लिए मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा इसका वीडियो अलग से डालूँगा और आपको दिखाऊँगा कि भाई CCTV कैमरा कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, आपको इस CCTV कैमरे का वीडियो जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने ख़रीदा है आपको कितने का पड़ा ऑफलाइन मार्केट से फ्रेंड्स और ऑनलाइन मार्केट से, तो मुझे आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे कहूँगा। तो देखो भाई किस तरह से वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा ट्राइपॉड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह से हम वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।